हे गाइस, मैं हूं सर। आज हम खेल रहे हैं पोकेमोन फायर रेड, लेकिन अलग। ये एपिसोड 1 है इसका, और आज हम जाने वाले हैं। पहले इन प्रोफेसर ओक को अपना पूरा परिचय दे देते हैं। ट्रेनर कार्ड बना रहे हैं अभी हम। प्रोफेसर ओक से ज़्यादा भुलक्कड़ आने मैंने कभी नहीं देखा था, और वो भी आज देख भी लिया। पहले ही देख लिया था अभी प्रोफेसर ओक को, क्या पहले देखा था और अभी भी देख लिया? हाँ, मैं पहले भी देखा था। अरे कहना क्या चाहते हो? पार्ट हम आगे चलते हैं। मैं जल्दी से रेड नाम रख देता हूँ अपना, और वो ब्लू नाम रख देता हूँ उसका, अपने राइवल का। जल्दी से फुल स्पीड में हमें जल्दी से प्रोफेसर ओक को उनके बेटे का नाम, उनके ग्रैंडसन का नाम याद दिलाना है, जो है बेट ये बी ब्लू है उसके बेटे का नाम। मतलब वह ग्रैंडसन, मैं बेटा क्यों बोल रहा हूँ। वैसे गेम का पूरा वही बदल दिया, पूरा फेस ही बदल दिया गेम का, मतलब हर चीज़ बदल दिया यार। मैंने पहले जब खेला था तब इसमें वो सब नहीं था जो अब है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है पहले से। हार्ड मोड भी सेट करने को आ रहा है इस बार तो यार, अच्छा है। बहुत अच्छे फीचर डाले गए इस गेम में। ये फायर रेड को असली में लास्ट फायर रेड बना रहा है ये गेम के फीचर्स। और आपको ये कैसा लग रहा है? ये लेआउट मैंने खुद बनाया है, बहुत मुश्किल से बनाया है ये। इसमें मैंने खुद से वो पिक्सल ऐप से डाउनलोड नहीं करा, बनाया है पिक्सल ऐप से। और वो जो उसके पीछे की फ़ोटो है वो बस मैंने डाउनलोड करी थी, वो पीछे और फायर रेड का वो लोगो, और बाकी सब कुछ मैंने किया है बनाया। और वो बस बैजेस डाउनलोड कर रहे थे, उनको कलर भी मैंने कर दिया जल्दी से पिक्सल स्टूडियो से, पिक्सल लैब से। मतलब पहले हम यहाँ पर जाते, क्योंकि ये कौन है बे, ये कौन है, ये कौन है? नहीं, पहले उससे बात करते हैं। हु आर यू? योर नेम इज रेड, आई हर्ड फ्रॉम रोगी बोल रहे। इसका नाम सरीन, कैलस रीजन से आई है ये सरीना, यहाँ पे कैसे आ गई? ये तो कुछ भी हो रहा है यार, अनसेफ। आई नो हेयर कम। ये प्रोफेसर ओक हमें ले जा रहे हैं, जिनकी शक्ल इसमें बड़ी अजीब सी लग रही है, कुछ ज़्यादा ही काले ये इसमें। और इसमें अलोलन पोकेडेक्स है, मतलब रोटम डेक्स है ये तो। वहाँ पे रोटम डेक्स भी अच्छा है। अब हम पोकेमोन ले लेते हैं इसमें। और हाँ, एक और चीज़ बतानी है, इसमें स्कॉर्बन ही मिलता है हमें, मतलब अलोलन स्टार, मतलब वो गैलर स्टार्टर्स मिलते हैं इसमें, स्कॉर्बन ही मिल रहा है। स्कॉर्बन ही ले लेते हैं, मुझे स्कॉर्बन ही चाहिए। हाँ, सेव कर लूँ पहले मैं। वैसे मतलब वो ये गेम क्रैश भी हो जाती थी कभी कभार, तो मैं उसको सेव कर लिया। अब मैं स्कॉर्बन लेता हूँ जल्दी से। स्कॉर्बन ले लिया है मैंने, रिसीव स्कॉर्बन। हाँ चलो, इसको नाम तो नहीं देने वाला मैं, क्योंकि इसका स्कॉर्बनी नाम ही बहुत अच्छा है। हाँ, स्कॉर्बनी नाम ही मुझे बहुत पसंद आया, क्यों इसलिए मैं नहीं देने वाला इसको नाम। और हम निकलते हैं यहाँ से। ब्लू टेक, ब्लू ने तो वो लिया होगा सॉबल, पता है मुझे सॉबल लिया है उसने, मुझे पता है उसकी सारी ट्रिक्स। मुझे हराने के लिए सॉबल लेगा, पर मैं उसको हरा दूँगा इस बैटल में भी, जैसे हर बैटल में हराता हूँ यार। इसमें तो ये फाइटिंग का वही बदल दिया, वो जहाँ पे वो दिखाते, पहले मैं ग्राउल करके इसका अटैक कम करता हूँ, फिर मैं इसका डिफेंस कम कर, मतलब इस पर अटैक करूँगा, जिससे मेरे पे कोई डैमेज ना हो, उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। प्रो ट्रिक दूसरों से बचने की, दूसरों को पोकेमोन को आउट करने की। देखो, ऐसे सॉबल का डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर ग्रुकी का डिज़ाइन भी सही था। ग्रुकी का सॉबल का डिज़ाइन, सॉबल बड़ा होकर और ज़्यादा पतला होता है, लगता है उसको डाइट करवा के रखा हुआ पोकेमोन वालों ने। अब हम जल्दी से चलते हैं, ख़त्म कर दिया हमने फाइट। मैंने बोला ही था मैं इसको हरा दूँगा आसानी से। एम्बर सीख लिया हमारे स्कॉर्बनी ने, अच्छा हुआ। आपको अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद कमेंट भी कर देना शाउट आउट के लिए। आज कोई शाउट आउट नहीं देने वाला हूँ मैं, अगली वीडियो से शाउट आउट स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। और शाउट आउट वैसे अपना वो देगा स्पाकी। ओ, ये तो वो है ना रिची, ये तो रिची है, हमारा नाम पूछ रही है, रेड है हमारा नाम। और मैंने भी स्टार्ट जर्नी आज ही स्टार्ट करा यार, तूने भी? चल फाइट करते फिर। हाँ, रिची की शक्ल बड़ी अजीब लग रही है ऐसे बैटल में। ये भी अपना पिकाचू दे रहा है, पर इसने इसमें अपना नाम, अपने पिकाचू का नाम और स्पाकी नहीं दिया इसका नाम। पिछली बार जब अपडेट था तब तो दे रखा था नाम, पिछले अपडेट तक तो दे रखा था, मेरा पुराना अपडेट भी पड़ा है मेरे पास इसका। और मैं उसकी वीडियो नहीं डालूँगा क्योंकि नया अपडेट आ गया है यार, तो मैं पुराने अपडेट क्यों डालूँ फिर।
जोक से पार्ट, अभी हम आगे चलते हैं। जल्दी इसको हरा दिया हमने। इसका भी लेवल, इस गेम का ये सबसे सही फीचर है कि हमारे हायरेस्ट पोकेमोन का जितना लेवल है उतना इसका भी होगा, इसके पोकेमोन का लेवल सारे। तो हमें अपने पोकेमोन का सारे पोकेमोन का लेवल सेम रखना पड़ेगा, वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने इसको हरा दिया पर हमारा पोकेमोन भी 8 लेवल का हो गया। अगर आपको वीडियो अभी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। और अभी हम प्रोफेसर ओक के लिए चीज़ें देने जाते हैं, और ऊपर एक स्वेलो उठ रही है और ऊपर ककूनस भी है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे अलोलन रैटेड है, रटाटा है, रटाटा रैडेटा ऐसे ही बोलता है ना कुछ। फ्यूरो भी है, स्पियरो। कोई बात नहीं, स्पियरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें स्पियरो नहीं चाहिए। वैसे ऊपर तो बी ड्रिल भी उड़ रही है और पिजी भी आ गया। वैसे मैं पिजी तो नहीं पकड़ने वाला, पिजी तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर इस ग्रास में हमें कोई स्टार्टर मिल जाए तो अच्छा होगा, बहुत काफ़ी अच्छा होगा। जैसे पहले मिलता था, इसमें स्टार्टर मिलने में सबसे सही लगता है। इसमें ऑटो रन भी है, मैंने तो बस ऐसे। यहाँ पे देखो ना, टीम मैग्मा और टीम एक्वा के बंदे खड़े हैं। कोई बात नहीं, आज हम टीम एक्वा से नहीं लड़ेंगे, उससे लड़ लड़ के हमारी हालत ख़राब होती है। दोस्तों अब हम जल्दी से यहाँ पे पहुँच तो गए। प्रोफेसर ओक का यहाँ से पार्सल लेते जल्दी से और फुल स्पीड में भागते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे इसके पास नहीं रहना, क्योंकि इससे बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, इतनी गंदी बदबू है इसके पास, मुझे नहीं रहना भाई तेरे पास। अपना सब कुछ नहा वहा के आया कर, तू मता बस, मैं बार बार अंदर क्यों जा रहा हूँ। कोई काला जा ब्लैक मैजिक कर रहा है यार वो, तो मैंने उसको बदबूदार बोल दिया। वैसे यहाँ पे वो है ना, वो होल है। मैं जल्दी से प्रोफेसर ओक के पास पहुँचता हूँ, पर मैं इस वॉर्म होल में घुस ही नहीं पा रहा हूँ यार, पता नहीं क्या है। चलो अब हम जल्दी से चलते हैं। वैसे तो मैं पहुँच ही गया हूँ जल्दी से, अब मैं पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये प्रोफेसर ओक का सारा भाषण ख़त्म करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये भाषण नहीं देते यार। आई फॉर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट, ये भी आ गया, ये ग्राम्स ग्राम्स करने वाला यार। ओ ये तो हमें अलोलन डेक्स दे रहा है, मुझे लगा कि नॉर्मल पोके डेक्स देगा, ये तो अलोलन डेक्स देने लग गया। वाह यार प्रोफेसर ओक, तू आप तो बड़े स्मार्ट हो गए हो यार, आपके पास तो अब अलोलन डेक्स भी आने लग गया है। हाँ ये बूढ़ा हो गया इसलिए इसने चल, ठीक है हम इनकी मदद करेंगे अपने पोकेडेक्स को भरने की और सारे पोकेमोन की जानकारी लेने की। और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल पे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, जिससे आप नोटिफाइड हो जाओ। बाय बाय।